जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग टापारिया टूल्स कंपनी के शेयर्स को बाई करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है, मेरा यहाँ पे नाम लिखा है और मेरे डीमेट अकाउंट में तकरीबन इतना अमाउंट है 26,000 के आसपास। ये सफिशियंट अमाउंट, इतना अमाउंट नहीं यूज़ करेंगे हम लोग शेयर्स को बाई करने में, बहुत कम क्वान्टिटी बाई करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे वॉच लिस्ट में मैंने टापारिया टूल्स को ऐड किया हुआ है। वॉच लिस्ट में आप देख सकते हैं हमने टापारिया टूल्स कंपनी के शेयर्स को ऐड किया हुआ है। तकरीबन 3.21 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है और चलिए मैं इसको बाय करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमने सीधे बाय पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ। मान लीजिए तकरीबन मुझको 10 क्वांटिटी बाय करना है तो मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाल देता हूँ और सिंपल मार्केट ऑर्डर पे ही इसको बाय करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो शेयर है इजिली बाई हो जाए, जल्दी बाई हो जाए, हमें वेट ना करना पड़े। अब बाई पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक है ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, हमारे टॉप रेट उसका शेयर बाई हो गया। अब हम व्यू ऑर्डर्स पर क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शेयर बाई नहीं हुआ है। ये जो शेयर सेट अपारिया टूल्स का आप स्पष्ट देखेंगे कि पेंडिंग में आ गया है, यानी कि अभी इसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा। अब कब एग्जीक्यूट होगा हम नहीं जानते। अब ये क्यों बाई नहीं हुआ, एग्जीक्यूट यहाँ पे देख सकते हैं दो शेयर कैंसिल्ड है। पहले से भी मैंने बाई करने की कोशिश की है लेकिन कैंसिल हो गया है। और पोजिशन में यदि आप देखेंगे तो आज कोई भी शेयर अभी तक बाई नहीं हुआ है। ऑर्डर्स में ही आप देखेंगे तो ये जो हमने अभी बाई किया 10 क्वान्टिटी, ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब पेंडिंग में क्यों पड़ा है इसको समझने के लिए सबसे पहले चले यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे पीछे देखेंगे मैंने आज के मार्केट का चार्ट भी ओपन करके रखा हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। खैर वो अलग चीज़ है, यहाँ पे टापारिया टूल्स पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए टापारिया टूल्स को जब हम लोग डिटेल्स में चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ बायर हैं। तकरीबन 3,08,16,282 लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहते हैं और जबकि सेलर्स कितने हैं, सेलर्स जीरो हैं। इसमें कोई भी सेल करने वाला नहीं है लेकिन बाई करने वाले इसमें 3,08,00,000 लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहते हैं। और ऑर्डर्स देखिए कितने कितने लगे हुए हैं, 5,500, 9,995, 150, 29, बस ऐसे इतनी इतनी क्वांटिटी लोग बाई करना चाहते हैं और तकरीबन 3 करोड़ लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहते हैं जबकि सेलर्स एक भी व्यक्ति नहीं है। आखिर क्या वजह है कि इतने लोग बाई करना चाहते हैं? आप भी जानते हैं कि ये कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती है, डिविडेंड से पैसा मिलता है और इसलिए लोग इस कंपनी के शेयर्स को बाई करना चाहते हैं। तो हमने 10 क्वांटिटी बाई करना चाहो तो पेंडिंग चला गया। अब चलिए हम इसमें जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं, मान लीजिए जो 29 ऑर्डर्स लगे हुए हैं इसमें जो बिड प्लेस हुए हैं उसके हिसाब से बाई करने की कोशिश करते हैं, शायद हमारा बाई हो जाए। बहुत लोगों को ऐसा मानना होता है, चलिए ये भी एक हम करके देख लेते हैं। हम सिंपल बैक आते हैं, वॉच लिस्ट पर आते हैं और चूंकि बिड में 29 क्वान्टिटी लगा हुआ था तो हो सकता है कि 29 बाई करें तो कहीं हमारा शेयर बाई हो जाए। 29 क्वान्टिटी हमने यहाँ पर डाल दिया, मार्केट ऑर्डर पर रहने देते हैं और सिंपल बाई पर क्लिक करते हैं। देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है लेकिन क्या पोजीशन, पहले भी ऑर्डर्स में देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये भी पेंडिंग में आ गया, 29 क्वांटिटी जो हमने बाई किया था पारेट उसका ये भी पेंडिंग में आ गया, ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पोजीशंस में देखिए कुछ नहीं है। ऑर्डर्स में देखेंगे तो ये जो अभी हमने टपारेट उसका आपके सामने दो दो बार बाई किए हैं, 10 क्वांटिटी और 29 क्वांटिटी दोनों पेंडिंग में पड़े हुए हैं। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में भी कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सब कैंसिल्स पड़े हुए हैं। वजह क्या है, जैसे मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि जो टपारिया टूल्स कंपनी का शेयर्स है ये बेसिकली इसमें कोई भी सेलर्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आपको ये जब भी आप बाई करेंगे तो आपका ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा और जो हमारा ऑर्डर पेंडिंग में जा रहा है ये मार्केट जब क्लोज होगा तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और इसमें जो पैसा लगा है बाई करने में, यहाँ पे देख सकते हैं 26,260 रुपये के करीब था, अभी 130 रुपये बचे हैं। तो वो जो पैसा यूटिलाइज हुआ है शेयर्स को बाई करने में, शाम में जब मार्केट क्लोज होगा और ये जो ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए कैंसिल हो जाएगा तो इसका पैसा फिर से वॉलेट में आकर ऐड हो जाएगा लेकिन मुझको ये इस कंपनी के शेयर्स नहीं मिलेंगे। वजह क्या है आप जान गए, तो टापारिया टूल्स कंपनी के शेयर्स को बाई करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, डेली कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, लक सही रहेगा तो किसी न किसी दिन आपको इस कंपनी के शेयर्स मिल जाएगा। बाकी आप तब तक के लिए टापारिया टूल्स कंपनी के शेयर्स को सिर्फ अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं और डेली बेसिस पे इसको देख कर बस खुश हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टापारिया टूल्स कंपनी के शेयर्स के बारे में जो जानकारी मैंने यहाँ पर दी, जिस तरीके से बाई सेल करने के बारे में मैंने आपको करके दिखाया नहीं मिला, आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी समझ में आई होगी। कोई भी सवाल है कन्फ्यूजन कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर जुड़कर बातें करने के लिए मुझको आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।